असलम क्लास नाइन्थ पी वन एन एन वन बॉयज़ एंड गर्ल्स होप यू आर फाइन एंड वेल आई एम योर बायोलॉजी लेक्चरर टुडे ट्वेंटी फर्स्ट माई टू थाउजेंड ट्वेंटी अ टॉपिक ऑफ़ डिस्कशन इज सिग्निफिकेंस ऑफ मीसिस आज हम पढ़ेंगे म्योसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में ठीक है तो म्योसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में जब हमने पढ़ा पढ़ना है तो एक पॉइंट जो कि इसके बारे में क्लियर है वो आपको बता दूँ कि मीटिक डिवीजन एक ऐसी डिवीजन है जिसमें जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो आती हैं ठीक है थीके? लेकिन ये प्रॉपर्टी हमने माइटोसिस में नहीं पढ़ी है माइटोसिस जो है वो जो नए सेल्स प्रोड्यूस करता है वो नए सेल्स एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एज दैट ऑफ पेरेंट सेल लेकिन जो मियोसिस है मियोसिस एक, एक ऐसी डिवीजन है जो कि जेनेटिक वेरिएशन लाती है यानी जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसमें डिफरेंट फीचर्स होते हैं ठीक है एज दैट ऑफ इट्स पेरेंट सेल्स ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे अब सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस के लिए ठीक है और इसे डिस्क्राइब किया था अगस्त वाइजमैन ने इन 1980 ठीक है और अगस्त वाइजमैन जो है ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था अब रिप्रोडक्शन होता है कि रिप्रोड्यूस करना नेक्स्ट जो जनरेशन है वो प्रोड्यूस करना नई नस्ल बढ़ाना ठीक है और इनहेरिटेंस कहते हैं कि जो करेक्ट्रिस्टिक्स जो खसूसियात एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स ठीक है यानी जीन्स जो होती हैं वो ट्रांसफर करती हैं करेक्टरिस्टिक्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में तो उसे कहते हैं इनहेरिटेंस तो अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस के बारे में कि मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है सबसे पहले है मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन यानी जो क्रोमोसोम नंबर है वो नेक्स्ट जनरेशन में मैंटेन रहता है तो जब हमने म्योसिस पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें हाफ़ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम होते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट सेल ठीक है cell, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरह क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहता है नेक्स्ट जनरेशन जबकि हमने तो बात की थी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ़ रह जाता है इन डॉटर सेल ठीक है तो उसका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रोल प्ले करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसमें दोनों पेरेंट्स जो होते हैं उनके गेमीट्स जो है वो यूनाइट करते हैं मिलकर वो जाइगोट बनाते हैं ठीक है अब गेमीट्स कैसे बनते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन्स की एग्जाम्पल लें ह्यूमन्स को एज एन एग्जाम्पल तो क्या होता है मदर सेल्स और मदर सेल में जो डिप्लॉयड गेमियड्स होते हैं डिप्लॉयड सेल्स होते हैं डिप्लॉयड मदर सेल्स उनमें डिवीजन होती है मियोसिस की ठीक है डिप्लॉयड मदर सेल जो जर्म लाइन सेल्स हैं उनमें मियोसिस होती है माइटोटिक मियोटिक डिवीजन होती है और हेप्लॉयड गेम्स बनते हैं इसी तरह मेल में भी इसी तरह ही होता है कि जो उसके जर्म सेल्स हैं उसमें इम्योटिक होती है म्योटिक डिवीजन माइ मियोसिस होती है ठीक है तो उस म्योसिस के नतीजे में वो हिप्लॉयड सेल्स बनते हैं अब मदर और फादर दोनों के जो हिप्लॉयड सेल्स हैं जब वो यूनाइट करते हैं मिलते हैं फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल अब ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स हैं वो फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स हैं ठीक है ह्यूम्स में फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स हैं अब जब मेल में मेल के जो जर्म सेल्स हैं उसमें डिवीजन होगी तो वो फोर्टी सिक्स से ट्वेंटी थ्री रह जाएंगे हाफ क्रोमोसोम रह जाएंगे इसी तरह जो फीमेल सेल्स हैं फीमेल जर्म सेल्स हैं उसमें जब डिवीजन होगी तो वो फोर्टी सिक्स से ट्वेंटी थ्री रह जाएंगे ठीक है अब ये जो ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम्स वाले सेल हैं ये गैमीट्स बने हैं ठीक है अब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये दोनों यूनाइट करेंगे इकट्ठे मिलेंगे तो वो बनाएंगे जाइकॉट तो अब जाइकॉड जो बना है इसमें अब टोटल कितने क्रोमोसोम हैं अब इसमें टोटल फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम आ गए हैं यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मेंटेन रहे हैं मियोटिक डिवीजन में ठीक है समझ आइए आपको इस बात की इसी तरह कुछ हेप्लॉयड फंजाई और प्रोटोजवा होते हैं वो माइटोसिस ही करते हैं और हेप्लॉयड गैमेट बनाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी हेप्लॉयड हैं तो अगर उनमें मियोटिक डिवीजन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मियोटिक डिवीजन जो है वो होती ही डिप्लॉयड सेल में है ठीक है तो जो इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स होंगे जो हैप्लॉयड होंगे लाइक like कुछ हेप्लॉयड फनजाए और प्रोटोजवा उनमें माइटोसिस भी होगी और वो वैसे ही हैप्लॉयड बनाएंगे ठीक है तो पहले तो मैंने बात की ह्यूमंस की एग्जाम्पल के साथ एनिमल सेल के साथ ठीक है अब मैं बात करूँगी प्लांट सेल के साथ प्लांट सेल्स में क्या होता है प्लांट्स के लाइफ साइकिल में होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे पास दो तरह की जनरेशन होती हैं जो कि अल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ ठीक है यानी स्विच ऑन करती हैं फॉर एग्जांपल अब कोई स्विच है लाइक like आपके फ़ैन का स्विच है तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं या तो वो ऑन होता है या ऑफ होता है ये दो कंडीशन है कोई इन बिटवीन मिड सिचुएशन नहीं है ठीक है इसी तरह हमारे पास प्लांट्स में दो तरह की जनरेशन होती हैं एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन एक होती है गमीटो जनरेशन तो ये दोनों जो हैं ये ऑल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ ठीक है और प्लांट लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है अब होता क्या है जो स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें डिप्लॉयड सेल जो होते हैं उनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है ताकि हेप्लॉयड स्पोर्स बन सकें ठीक है और वो ग्रो करते हैं इनटू हेप्लॉयड गेमीटोफाइट जनरेशन ठीक है फिर जो गेमीटोफाइट जनरेशन है वो प्रोड्यूस करती है हेप्लॉइड गेमीट्स को थ्रू माइटोसिस ठीक है और उसके बाद जो गैमेट्स बनते हैं वो कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस डिप्लोइड जयगोड फिर ये जयगोड जो है ये जाता है रिपीटेड माइटोटिक डिवीनस में ठीक है और बन जाता है डिप्लड्स स्पोरोफाइट इसके बाद दोबारा से वही डिवीजन शुरू होती है कि डिप्लोइ्स स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है वो वेप्लॉयस स्पोर्स बनाता है फिर उनमें माइटोसिस होती है फिर वो गैमेट्स जो बने होते हैं वो फ्यूज़ करके दोबारा से डिप्लॉय स्पोरोफाइट बना देते हैं इस तरह जो गेमिटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन है वो दोनों ऑल्टरनेट करते हैं एक दूसरे के साथ ठीक है और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस चलता रहता है इस तरह प्लांट्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो मेंटेन रहते हैं इन नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन ठीक है यानी किस तरह जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें वेरिएशन आ रही हैं अब क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर्स में होते हैं इन ईच पेरेंट ठीक है और जो के क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से गुजरते हैं जब वो क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से गुजरते हैं इन मियोसिस तो क्या होता है कि नए डॉटर सेल्स बनते हैं ठीक है अब वह जो नए डॉटर सेल्स बने हैं वो जो गेमीट्स होते हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन होती हैं ठीक है तो जब ये गेमीट्स फ्यूज़ करते हैं और जयगोट बनाते हैं तो दोनों पेरेंट्स में से जो डिफरेंट जेनेटिक मेकअप है वो मिलकर एक जाइगोट बन जाता है ठीक है फिर क्या होता है कि जो मियोसिस का प्रोसेस है वो वेरिएशन लाता है नेक्स्ट जनरेशन में ठीक है और ये बेनिफिशियल होती हैं वेरिएशन क्योंकि ये ऑर्गेनिज़म्स को हेल्प करती हैं कि वो अडॉप्ट कर सकें अपने आप को अडाप्ट कर सकें इन इन्वायरमेंट यानी इन्वामेंट में जो चेंजेस आती हैं उस लिहाज से वो अपने आप को Uh, उन चेंजेस को अडोप्ट करके अपने आप को सर्वाइव कर सके इन इन्वायरमेंट ठीक है अब ये चेंजेस जो हैं ये बेनिफिशियल हैं क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अगर uh, सब लोग एक ही तरह के होते हैं उनके फेस फीचर्स एक जैसे होते ठीक है उनके फिंगरप्रिंट्स ईच एंड एवरीथिंग अगर एक जैसा होता तो कुछ भी वेरिएशंस नहीं होनी थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़नी थी लेकिन ये एक ऐसी मतलब कि हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिशियल है कि जो सब लोग हैं वो डिफरेंट हैं इवन के जो ब्लड रिलेशंस हैं यानी जो बहन भाई हैं वो भी डिफरेंट हैं एक दूसरे से ठीक है ताकि वेरिएशंस की वजह से वो पहचाने जा सकें और उनमें डिफरेंस क्रिएट हो सके पहले हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस में जो उनमें बेनिफिशियल उनके पॉइंट से अब हम पढ़ेंगे एरर्स एरर्स क्या है म्योस में ठीक है अब एना फेज़ वन के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल पर जाते हैं ठीक है जबकि ड्यूरिंग एना फेज टू एना फेज़ टू के दौरान जो सिस्टर क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं तो सिस्टर क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है वो कहलाती है डिसजंक्शन ठीक है डिसजंक्शन वो प्रोसेस है जिसमें सिस्टर क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं लेकिन समटाइम्स ये होता है कि ये जो सेपरेशन है ये नॉर्मल नहीं होती तो जब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन नॉर्मल ना हो तो उसको कहते हैं नॉन डिस्जंक्शन ठीक है और इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ गेमियड्स हैं उनमें या तो कम क्रोमोसोम्स चले जाते हैं या ज़्यादा नंबर चले जाते हैं तो ये दोनों ही यानी क्रोमोसोम नंबर कम होना या ज़्यादा होना ये दोनों ही एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ठीक है थीके? तो अगर इस तरह के गेमिट्स यानी एबनॉर्मल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स वाले जो गेमिट्स हैं अगर वो फ्यूज़ कर जाएं, वो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करें तो नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज़म होगा ऑटोमेटिकली उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी ठीक है लाइक अगर जैसे फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स ह्यूम्स में हैं ठीक है तो मदर सेल से ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम वाला गेमिट आया है और जो फादर के गेमीट्स हैं उसमें से जो है वो फोर्टी फाइव सॉरी ट्वेंटी फोर वाला ट्वेंटी फोर क्रोमोसोम वाला गेमिट आया है तो टोटल जो आपके पास क्रोमोसोम्स थे वो जायगॉट में वो फोर्टी सिक्स की बजाय फोर्टी सेवन है यानी एक जो क्रोमोसोम है वो ज़्यादा है तो ये भी अब नॉर्मैलिटी है अगर इनमें एक क्रोमोसोम कम हो जाए तो ये भी अब नॉर्मैलिटी है ठीक है तो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस होगा नेक्स्ट जनरेशन में ठीक है उसमें अब नॉर्मैलिटी होगी वो नॉर्मल कहलाएगा लेकिन इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं ठीक है थीके? उनके चांसेस बहुत कम होते हैं ठीक है बिकॉज जितने भी ये डिवीजन के प्रोसेसेस हैं अब जैसे कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तो डिफ़रेंट चेक पोस्ट आती हैं चेकिंग के लिए ठीक है इसी तरह जब ये डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है तो डिफरेंट चेक पोस्ट होती हैं वहाँ पर अगर कोई भी क्रोमोसोम नंबर जो है उसमें अब नार्मलिटी हो या डिवीजन के प्रोसेस में कहीं पे भी अब नॉर्मेलिटी हो तो वो उस सेल को रि, आ, रिमूव कर देते हैं उस डिवीजन के प्रोसेस से ठीक है लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि उस चेकिंग में से गुजर जाते हैं ठीक है एब्रप्टली तेज़ी से या जैसे भी वो गुजर जाते हैं तो ये एबनॉर्मेलिटी सामने आती है ठीक है ओके क्लास टेक आउट योर पेज वन हंड्रेड पेज नंबर वन हंड्रेड निकालें सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो है ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है और शॉर्ट क्वेश्चन और एम सी क्यू के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप स्टार्टिंग से ही अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस वॉज डिस्क्राइब्ड इन एटीन नाइन्टी बाई जर्मन बायोलॉजिस्ट अगस्त वाइजमैन ही पॉइंटेड आउट दैट मीओसिस वॉज नेसेसरी नॉट ओनली टू मैंटेन द नंबर ऑफ फ्रोम सोम इन नेक्स्ट जनरेशन बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन ठीक है यानी उसने बताया कि म्योसिस जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि इससे नेक्स्ट जो वेरिएशन हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं इन नेक्स्ट जनरेशन और इसके सामने एक बॉक्स है उसमें लिखा है कि म्योसिस डज नॉट अकर इन प्रोक्रियाट विच रिप्रोड्यूज इसलिए बाई बाइनरी फिशन ठीक है यानी म्योसिस जो है वो प्रोक्रियाट में नहीं होती है प्रोक्रियाट में डिवीजन के लिए ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड होते हैं वो यूज़ होते हैं लाइक बाइनरी फिशन ठीक है जैसा कि हमने जब पढ़े सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ा था तो उसमें हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और उसमें हमने बडिंग भी पढ़ा बडिंग इन हाइड्रा ठीक है वो भी ए सेक्शुअल मैथड है रिप्रोडक्शन का इसी तरह ये जो बाइनरी फिशन है ये भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही मैथड है जो कि प्रोक्रियाट्स में होती है नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नेक्स्ट जनरेशन सबसे पहले आप हेडिंग देंगे इन ह्यूमंस ठीक है ह्यूमंस के बारे में म्योसिस इज असेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस डिप्लॉयड गैमिट्स मदर सेल्स और जर्म लाइन सेल्स अंडर गो म्योसिस टू प्रोड्यूसलॉयड गेमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट यूनाइट टू फॉर्म डिप्लाइड विच अंडर गोज रिपीटेड माइटोस एंड डिवेल्प इन अ न्यू डिप्लॉयड ह्यूमन ठीक है ये ह्यूमन्स में एग्जाम्पल है इसके अलावा ये जो नेक्स्ट है ये आप यहाँ पर हेडिंग देंगे इन फनजाई एंड प्रोटोज वन ठीक है मैनी हेप्लॉयड फनजाई एंड प्रोटोज वन प्रोड्यूस हेप्लॉयड गेमीट्स थ्रू माइटोसिस ठीक है इसके बाद आप हेडिंग देंगे इन प्लांट्स कि प्लांट्स में किस तरह हो रहा है इन प्लांट्स द लाइफ साइकिल शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन द सेल्स ऑफ टप्लॉय्स पोरोफाइड जनरेशन अंडर गोज मियोसिस to produce haploid spores which grow into haploid gametophyte generation gametophyte generation produce haploid gametes through mitosis the gametes combine to produce diploid zygote zygote undergo repeated mitosis to become diploid sporophyte okay so this is alternation of generation कि किस तरह जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो स्विच ऑन होती है और गेमिटोफाइट जनरेशन स्विच ऑफ हो जाती है फिर स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो कन्वर्ट होती है गेमिटोफाइट जनरेशन में गेमिटोफाइट जनरेशन जो है वो स्विच ऑन हो जाती है और स्पोरोफाइट स्विच ऑफ हो जाती है इस तरह ये दोनों जनरे जनरेशन जो है ये ऑल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के साथ ठीक है और इस तरह जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी प्रोड्यूस होती है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू ठीक है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो भी मेंटेन रहते हैं और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में आप क्लास में भी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन द क्रोमोसोम पेयर ऑफ ईच पेरेट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस सो द डॉटर सेल्स दैट इज गैमीट्स वेरिएशंस

जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें मेंटेन रहेगा उसके बाद जो प्रोडक्शन है वेरिएशन की वो कैसे आएगी ठीक है यानी जो चेंजेस है वो कैसे आएंगी मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे आगे नेक्स्ट जनरेशन में मेंटेन रहेंगे अब क्या हो रहा है कि फीमेल बॉडी में ठीक है उसमें जो गेमीट्स बन रहे हैं ठीक है वो गेमियट्स थ्रू मियोसिस बन रहे हैं और इसी तरह जो मेल बॉडी है उसमें भी गेम्स बन रहे हैं ठीक है अब क्या होगा मेल गमीट और फीमेल गमीट ये दोनों हेप्लॉयड हैं यानी इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है दोनों में तो जब ये दोनों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले गमीट यूनाइट करेंगे फ्यूज़ होंगे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे ठीक है तो हाफ़ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मिलकर कंप्लीट नंबर बना देंगे जितने के उस ऑर्गेनिज़म्स में चाहिए हैं ठीक है फॉर एग्जांपल अगर फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमंस में होते हैं तो ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम एक गेमीट में है और ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम दूसरे गेमीट में है ठीक है यानी मेल गेमीट में भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम है और फीमेल गेमीट में भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम है तो जब ये दोनों गेमीट्स ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम वाले गेमीट्स फ्यूज़ करेंगे यूनाइट करेंगे तो ये जायगॉर्ड बना देंगे फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम जिसमें मौजूद होंगे ठीक है फिर इस जैगॉर्ड में नेक्स्ट माइटोसिस होगी डिफरेंट बॉडी के सेल्स बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस होंगी और आफ्टर दैट एक कंप्लीट ह्यूमन उसमें बन जाएगा ठीक है तो इस तरह जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं मियोसिस में और फिर गेम्स बनते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी मेंटेन रहते हैं और जेनेटिक वेरिएशंस भी आती हैं लेकिन अगर गमीट्स बनने के दौरान जो सेपरेशन हो रही है क्रोमोसोम की अगर वो ठीक नहीं होती है फ़ॉर एग्जांपल कोई भी एक्सीडेंटल चेंज अगर आता है सडन चेंज आता है क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में तो वो रिज़ल्ट करता है एबनॉर्मल गेमेट्स की फॉर्मेशन में यानी हो सकता है कुछ ऐसे गेमेट्स बन जाएं जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कम हो और कुछ ऐसे गेमेट्स बन जाएं जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ज़्यादा हो तो ये दोनों सिचुएशन जो हैं ये एबनॉर्मल्टी कॉज करती हैं ठीक है तो सबसे पहले डिसजंक्शन की डेफिनेशन इन मियोसिस ड्यूरिंग एन ए वन क्रोमोसोम सेपरेट एंड गो टू द ऑपोजिट पोल वाइल ड्यूरिंग एन ए टू सिस्टर क्रोमाटेट सेपरेट इट कॉल्ड डिसजंक्शन या डिसजंक्शन की डेफिनेशन है इसके आगे नॉन डिसजंक्शन की डेफिनेशन है समटाइम दिस सेपरेशन इज नॉट नॉर्मल एंड इट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन ठीक है अब नॉन डिस्ट्रक्शन की एग्जाम्पल में भी आप इसके आगे से लिख सकते हैं कि दिस रिजल्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ गेमीट विच हैव आई दर मोर और लेस दैन नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इफ़ सच एबनॉर्मल गेमीट फ्यूज विद नॉर्मल गेमीट इट रिजल्ट एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर एग्जाम्पल फोटी सेवन और फोर्टी फाइव क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन अब यह नहीं होगा कि अब क्रोमोसोम नंबर कम है तो हो सकता है कोई एक करैक्टरिस्टिक्स ख़त्म हो जाए या ये भी हो सकता है कि क्रोमोसोम नंबर है ज़्यादा है तो कोई एक करेक्ट्रिस्टिक्स ऐड हो जाए तो ये ऐड और डिलीट वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है ये इस तरह नहीं होगी ये एक एबनॉर्मेलिटी होगी ठीक है क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स अटैच होती हैं और जीन्स जो हैं वो आपके बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करती हैं ठीक है, है? लाइक आपके जो आइज कलर है हेयर कलर है आपकी जो डिफरेंट सेंसेस हैं उनको तमाम को जीन्स कंट्रोल करती हैं तो अगर जीन्स में ही अगर क्रोमोसोम्स में ही अब नॉर्मेलिटी होगी तो इट मींस के नंबर ऑफ जीन्स जो है वो भी नॉर्मल uh, नहीं है ठीक है तो इस तरह ये दोनों तरह से जो नॉन डिस्टक्शन है ये हमारे लिए जो बहुत नुकसान का बास बनती है ठीक है होप यू अंडरस्टैंड क्लास इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क थैंक यू टेक केयर